Assalamu alaikum, my dear students. In the previous lecture, I discussed about the deduction of Ohm's law from the concept of drift velocity. Now today, I am going to discuss the Ohm's law. So, beta, अच्छे से समझो Ohm's law क्या है? Actually, Ohm's law में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा material like इन्होंने conductor लिया. इस conductor में इन्होंने क्या देखा कि अगर आप बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, यू हैव दिस कंडक्टर, आपने यहां पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाई, जैसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, नाउ यू आर इंक्रीजिंग इट टू 3 वोल्ट, तो क्या देखा गया, व्हेन यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस देन इन सच मटेरियल्स करंट ऑल्सो इंक्रीजेस लीनियरली. लीनियरली का मतलब क्या हुआ, तो अगर वी बढ़ गया, आई अगर लीनियरली बढ़ गया, तो V by I का रेशियो क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने से दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V और I इज प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है बेटा, यानी कि जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे आप, करंट भी वैसे ही लीनियरली बढ़ जाएगी. सो करंट विल इंक्रीज लीनियरली विद V. इज दैट क्लियर. लेकिन क्या ये जो ओम्स लॉ है, इज दिस अ यूनिवर्सल लॉ? द आंसर इज नो बेटा, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है. देन तो क्या मतलब है ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ हमें ये कहता है कि कुछ मटेरियल्स में, जैसे बेटा आप कंडक्टर ले लो, ठीक है बेटा, तो ये कंडक्टर क्या करता है, इस कंडक्टर में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट भी लीनियरली बढ़ती है. तो V by I का जो रेशियो है वो इन मटेरियल्स में बेटा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट. सो सच मटेरियल्स विच ओबे दिस लॉ आर नोन एज ओहमिक डिवाइसेस. आर नोन एज विच डिवाइसेस, कौन सा डिवाइस इनको कहते हैं, ओमिक डिवाइस. तो क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है? क्या हर एक मटेरियल में वी बाय आई रेशियो कांस्टेंट रहता है? नहीं, बल्कि वो मटेरियल्स जिनमें वी बाय आई रेशियो कांस्टेंट रहता है उन डिवाइसेस को ओमिक डिवाइसेस कहते हैं. तो क्या मैं कह सकता हूं ओमिक डिवाइसेस ही खाली वो डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को बेटा ओबे करते हैं, और वो डिवाइसेस बेटा जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, नॉन ओमिक डिवाइसेस. लेकिन मुझे यहां पर एक और पॉइंट मैं यहां ऐड करना चाहता हूं जिससे आपको ओम्स लॉ की एक पूरी पिक्चर आ जाएगी बेटा. वो ये है बेटा कि ऐसे मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स, ओमिक डिवाइसेस में V by I का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट. बट उसके लिए भी एक कंडीशन है, ये रेशियो बेटा कुछ कंडीशन के तहत कांस्टेंट रहता है. तो यू डू यू वांट टू नो व्हाट आर दोज कंडीशंस? द कंडीशंस आर कि इस मटेरियल में टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट. अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो ये V by I रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट का रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो V by I का रेशियो है ये कब कॉन्स्टेंट रहता है, अंडर सर्टन कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, दैट टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट. एंड यू नो व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, आपको पता है प्रेशर, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, उसमें कोई एक्सपेंशन मटेरियल में नहीं होना चाहिए, इसलिए टेम्परेचर भी क्या रखा हमने. सो अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन विच डिवाइसेस, इन ऑल द डिवाइसेस और इन ऑल ओमिक डिवाइसेस, इन ओमिक डिवाइसेस द रेशियो ऑफ वी बाय आई रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो किन डिवाइसेस में बेटा ये वी बाय आई का रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है, ओमिक डिवाइस. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन वो डिवाइसेस जिनको ये ओबे होता है उनके लिए लॉ बन गया. लेकिन वो मटेरियल्स जिनको ये ओबे नहीं होता है उनके लिए कोई लॉ नहीं बनता है बेटा. तो और एक कंडीशन, जब वी बाय आई ओमिक डिवाइसेस में तब कांस्टेंट रहेगा
जब क्या आप कॉन्स्टेंट बेटा रखोगे, टेम्परेचर। और दूसरा ये है, अंडर कंडीशन इज दैट द वोल्टेज शुड बी नॉर्मल, अंडर नॉर्मल वोल्टेज। अगर आपका वोल्टेज एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मीन्स वेरी वेरी मच हाई वोल्टेज, देन इन इवन ओमिक डिवाइसेस डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। सो ओमिक डिवाइस भी बेटा ओम्स लॉ कब ओबे करेगा? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, जब कंडीशंस या वोल्टेज नॉर्मल होगा। एबनॉर्मल वोल्टेज में वी बाय आई का रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा बेटा। तो क्या मैं ओम्स लॉ को ऐसे बेटा डिफाइन कर सकता हूं? कैन आई राइट दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ओहमिक डिवाइसेस, क्या यह हर एक के लिए ला यूनिवर्सल ला तो है नहीं, इसलिए किन डिवाइसेस के लिए यह ओबे होता है? ओहमिक डिवाइसेस। सो कैन आई राइट दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ओहमिक डिवाइसेस द रेशियो, या आप अपने हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो, द करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑलवेज येस रिमेन। ये रेशियो क्या रहता है? ओमसला तो यही है ना, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। मगर बेटा कंडीशन है ना, ऐसे थोड़ी कॉन्स्टेंट रहेगा। ओमिक डिवाइसेस तब ओम्स लॉ ओबे करेंगे जब कंडीशन क्या होगी? अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल वोल्टेज। सो ओम्स लॉ का फेलियर क्या है बेटा? इट फेल्स अंडर एबनॉर्मल वोल्टेज। सो ओमिक डिवाइसेस में वी बाय आई, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट लीनियरली बढ़ेगी, लेकिन बेटा कब? जब आपके कुछ कंडीशंस कॉन्स्टेंट हो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, वोल्टेज नॉर्मल हो, तो तब जाके ओमिक डिवाइसेस भी क्या ओबे करेंगे बेटा? ओम्स लॉ। सो मैं इसको एक और बार डिक्टेट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ओमिक डिवाइसेस the ratio of applied potential difference to the amount of current flowing through it always remain constant under constant temperature and under normal voltages। समझ आया बेटा? तो मैं फिर से बता रहा हूं, ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं, बट देर इज अ बिग 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 मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द ओम्स लॉ। डू यू वॉन्ट टू नो वट दैट मिसकॉन्सेप्शन इज? लिसन, वो बेटा ये है कि बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि सर ओम्स लॉ मींस दैट वी बाय आई इज इक्वल टू आर, दिस इज ओम्स लॉ। यू नो दिस इज टोटली इनकरेक्ट। एक्चुअली वी बाय आई इज इक्वल टू आर, इट इज जस्ट अ रिलेशन, इट इज एन एजर्शन, इट इज अ रिलेशन, इट इज नॉट अ लॉ। लॉ इज व्हाट लॉ इज, that V by I ratio is constant and this constant here is R which is known as resistance। समझ आ रहा है? तो V by I is equal to R। देखो बेटा ये R resistance है, ठीक है, V by I is equal to R। अगर R vary कर रहा है, ratio change हो रहा है, तो ये ओमिक डिवाइस नहीं है। तो V by I is equal to R क्या है? क्या ये ओम्स लॉ है? नहीं, ओम्स लॉ हमें ये नहीं बताता है कि V by I is equal to R।
ओम्स लॉ हमें ये नहीं बताता है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट गिव्स रेजिस्टेंस. नो, दिस वी बाय आई इज इक्वल टू आर, इट इज द रिलेशनशिप जो हमने डिडक्शन से निकाला है. सो इट इज मेयर रिलेशनशिप, इट इज नॉट ओम्स लॉ. बट वट ओम्स लॉ इज दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, बट यू नो दैट कॉन्स्टेंट इज द रेजिस्टेंस. सो कैन आई डिफाइन ओम्स लॉ एज द फॉर ओहमिक डिवाइसेस, फॉर ओहमिक devices the resistance remains constant, क्योंकि V by I ratio constant जो देता है वो R देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, the resistance remains, थोड़ा मैं clear लिखूंगा, the resistance remains constant बेटा. बट कंडीशन पता है अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर. तो याद रखना एक मिसकॉन्सेप्शन है दैट वी बाय आई इज इक्वल टू आर इज ओम्स लॉ. नो, दिस इज नॉट ओम्स लॉ, दिस इज अ रिलेशनशिप विच होल्ड इज गुड फॉर ऑल द डिवाइसेस वेदर दे आर ओमिक और दे आर नॉन ओमिक. सीधे बात है, जिनमें वी बाय आई रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो लेकिन वी बाय आई का रेशियो देगा क्या बेटा, रेजिस्टेंस. लेकिन उसमें क्या होगा, डिफरेंट वोल्टेजेस पे डिफरेंट रेजिस्टेंस आएगी. उसमें V by I का रेशियो कॉन्स्टेंट, लेकिन V by I का रेशियो वहां पे भी बेटा क्या देगा, रेजिस्टेंस. लेकिन नॉन ओमिक डिवाइसेस में ये R कॉन्स्टेंट नहीं होगा. ओमिक डिवाइसेस में V by I इज इक्वल टू R एंड दैट R विल बी कॉन्स्टेंट. दिस इज द डिफरेंस. सो नॉन ओमिक डिवाइसेस में V by I, यहां पे मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको. सो हम ऐसे इसका ले सकते हैं, एक जस्ट बना सकते हैं, फॉर ओहमिक डिवाइसेस यस वी बाय आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, बट व्हाट इज द कंडीशन, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एंड व्हाट वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज. एंड बोलो फॉर नॉन ओहमिक में भी क्या होगा, नॉन ओमिक डिवाइसेस में भी जो V by I जो हमें R देता है बेटा वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा बल्कि वेरिंग होगा. इवन अगर आपने यहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा, वोल्टेज नॉर्मल रखा, तब भी यहां पे R कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा नॉन ओमिक डिवाइसेस में. यहां पे R तब भी वेरी करेगा. सो नाउ विल यू प्लीज डिफाइन व्हाट ओम्स लॉ इज, लेट मी डिफाइन इट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the ratio of potential difference to the current always remain constant under constant temperature and under normal voltage. But for which devices? Ohmic devices. And non-ohmic devices may be ratio of potential difference to the current gives resistance, but that ratio does not remain constant. So what is the difference between ohmic and non-ohmic? Under constant temperature and under normal voltage, ratio of applied potential difference to the current remains constant. But for non-ohmic devices, under constant temperature and under normal voltage, the V by I ratio doesn't remain constant. Is that clear? So, iska matlab kya hua? V by I is equal to R. V by I is equal to R. Ye relation dono devices ke liye obey ho rahi hai na. Lekin, V by I is equal to constant. Ye khali Ohm's law dikhate hai. समझ आया बेटा? सो बड़ा मिसकंसेप्शन यही था कि आधे बोलते हैं ओम्स लॉ मीन इज वी बाय आई इज इक्वल टू आर. इट इज टोटली रॉन्ग. दिस इज अ रिलेशनशिप, इट होल्ड इज गुड फॉर ऑल द डिवाइसेस. बट वी बाय आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल वोल्टेज, इट इज ओबेड बाय ओनली ओमिक डिवाइसेस. आई होप दिस ओम्स लॉ इज क्लियर टू यू.